दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 20x30 की एक जमीन है, यानी छोटा सा प्लॉट है, उसके ऊपर एक शानदार घर का नक्शा हमने तैयार किया है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये नक्शा है, और आइए चलते हैं, समझते हैं इस नक्शे को। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये एंट्रेंस दिया है, ये एंट्रेंस है घर का। ये एंट्रेंस हमने 3.8 फीट का रखा है, यानी 4.25 फीट की इसकी चौड़ाई रखी एंट्रेंस की। घर में ये चौड़ाई यहाँ से बराबर रहेगी। एंट्रेंस होते ही यहाँ पर मैंने ये स्टेयर्स सीढ़ियाँ दे दी है छत पर जाने के लिए, जिससे ये पूरी जगह काम आ जाएगी। इस सीढ़ियों के नीचे भी आप सामान, अपनी बाइक वगैरह रखने के लिए या कोई सामान रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं, आगे चलते ही मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट रूम दिया है। ये मैंने 9.10x9.2 का रूम दिया है। काफ़ी स्पेसफुल रूम होगा, जिसकी एक विंडो घर के बाहर होगी और एक विंडो इधर होगी, तो काफ़ी हवादार ये रूम होगा। ये गेस्ट रूम हो गया अपने घर का, आप गेस्ट रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि छोटा घर है तो ये रूम आप सभी के भी काम आ जाएगा। रूम से निकलते ही हमने ये लॉबी का एरिया दिया है। ये एरिया भी हमने काफ़ी स्पेसफुल दिया है, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.10x9.4 का ये एरिया दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमने बता दी है, सबकी लंबाई चौड़ाई जितना ये एरिया है सब में हमने बताया है आपको। इसकी एक विंडो हमने बाहर की तरफ दे दी है, जिससे इसका वेंटिलेशन बना रहे। इसके बाद में इसके इस लॉबी में ही हमने किचन को रखा है। ये किचन भी हमने काफ़ी स्पेसफुल रखा है। ये किचन हमने रखा है 8.3x5.11 का किचन रखा है। काफ़ी स्पेसफुल किचन है, और किचन का एक विंडो हमने यहाँ पर दे दिया है, जो घर में अपन एंटर होते हैं उसके ठीक सामने विंडो दिया है, जिससे घर के अंदर कोई आने वाला कोई भी आता है तो वो भी इस विंडो से आराम से दिख सकता है, क्योंकि ये घर का मेन डोर यहाँ पर होगा। तो आप अगर इस मेन डोर को लगा लें तो उसके बाद आप यहीं से भी देख सकते हैं, और ये वेंटिलेशन भी अच्छा करेगी किचन का। इसके बाद में इस किचन के पास में हमने फुल एक बड़ा रूम दिया है, जो आप देख सकते हैं। ये रूम हमने दिया है 12.3x9.10 का, काफ़ी स्पेसफुल रूम है। और इस रूम के पास में हमने एक ये छोटा सा स्टोर रूम दे दिया है, ये 6.6x3 का दिया है, ये 7.5x3 का, इसको आप समझ सकते हैं। ये मैंने स्टोर रूम दिया है, जिससे इस अपन कोई भी अलमारी या घर का सामान वगैरह इसमें रख सकते हैं। और जो मैंने टॉयलेट और बाथ दिया है वो मैंने लॉबी में दे दिया है, क्योंकि प्लॉट का साइज काफ़ी छोटा है और काफ़ी स्ट्रेसफुल जगह रख के और काफ़ी अच्छा सा नक्शा हमें तैयार करना था, तो ये टॉयलेट हमने लॉबी में दिया है, जो घर में आसानी से यूजफुल हो सकता है। ये 6.6x6 का ये टॉयलेट और बाथ दे दिया, काफ़ी स्पेसफुल हो गया ये टॉयलेट भी, कोई तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस नक्शे में आपको बता दूँ, दो रूम दे दिए हैं, ये बड़ा रूम है, ये थोड़ा छोटा रूम है। दो रूम दे दिए, किचन मैंने लॉबी में दे दिया है, काफ़ी बड़ी लॉबी रखी है। यहाँ पर आप सोफे वगैरह अपने सेट कर सकते हैं, यहाँ सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे, टीवी वगैरह आप सेट कर सकते हैं लॉबी में, या डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा रूम दिया, इसके अंदर यहाँ स्टोर रूम दे दिया है, ये टॉयलेट बाथ यहाँ दे दिया है। स्टेयर्स जो ऊपर जाने के लिए मैंने घर के बाहर ही दे दिए। अगर आप ऊपर भी बनाना चाहिए अपना घर, तो घर के अंदर इंटरफेयर नहीं होगा, ये स्टेयर्स बाहर की बाहर चली जाएगी। अगर आप रेंट पर्पज से भी बनाना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने बहुत अच्छा नक्शा तैयार किया है, फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।